हाय गाइस, दिस इज़ अली शेर आलम और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ। और आज मैं आप सबको बताऊँगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंदर अपना लाइट होता है, उनके बॉडी में लाइट जलता है। तो सबसे पहले मैं आपको उस कीड़े का फोटो दिखाऊँगा जिसे आपने देखा होगा। तो चलिए दिखाते हैं। अभी जो आप इस तस्वीर में कीड़े का फोटो देख रहे हैं, मुझे लगता है आप इसे ज़रूर देखे होंगे, देखे हैं ना। अच्छा, तो क्या आप ये भी जानते हैं कि इसके अंदर लाइट क्यों जलता है और कैसे जलता है? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर लाइट जलता है तो उस प्रोसेस को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि इनके अंदर लाइट क्यों जलता है। तो अगर वो फीमेल पार्टनर है तो लाइट इसलिए जलाती है ताकि वो अपने मेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, और अगर मेल पार्टनर है तो वो इसलिए लाइट जलाता है ताकि वो अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो दोनों मेट कर सके। अगर आप मेट नहीं समझते हैं तो आप ये समझिए कि वो लाइट इसलिए जलाते हैं ताकि अपोजिट सेक्स से वो सेक्स कर सकें। अब मैं बताता हूँ कि लाइट कैसे जलता है। तो इन कीड़ों के अंदर, ये जो इंसेक्ट हैं, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, कोशिका होती है जिसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल होता है। उस केमिकल का नाम है लूसीफेरिन, और जब वो लूसीफेरिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये ग्लोइंग होता है, यानी कि ये लाइट जलता है। और इनके अंदर, इनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल बल्ब की तरह होता है, और वही बल्ब जलता है। जलना डिपेंड करता है कि वो सांस कैसा ले रहा है। आप कहेंगे सांस लेने से क्या मतलब है, मैं बताया तो था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ही जलता है। तो अगर वो लगातार सांस लेगा तो लगातार बल्ब जलेगा, और अगर वो रुक रुक के सांस लेगा तो रुक रुक के बल्ब जलेगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और अभी जिस जीव को आप देख रहे हैं उसका नाम है जेली फिश, जिसे हम ऑरेलिया भी बोलते हैं, और ये फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में चलिए मैं कुछ खास बात बताता हूँ। देखिए, वो कहते हैं ना, तुम्हारे पास ना दिल है ना दिमाग है, बिल्कुल इस पे सेट करता है। इसके पास ना दिल होता है ना दिमाग होता है, और ना ही हड्डियाँ होती है ना ही आँख। तो फिर आप बोलेंगे, फिर ये चलती कैसे है, जैसे कि यहाँ पर चल रही है, फिर अपने बॉडी को बैलेंस कैसे करती है? तो इसके पास मोटर नर्व्स बहुत ज़्यादा होती है जो इसकी बॉडी को, इसकी लोकोमोशन को बैलेंस करती है। और एक और ख़ास बात इसके बारे में कि इसके एक ही मार्ग होते हैं, इसके बॉडी के सेंटर में एक ही मार्ग होता है, यानी कि छिद्र होता है, जहाँ से ये खाना भी खाती है और वहीं से एक्सक्रीट भी करती है। एक्सक्रीट नहीं समझते हैं आप, तो इसका मतलब कि जहाँ से खाती है वहीं से लेटरिंग भी करती है ना अमेजिंग बात। एक बात और, इसकी जो स्टिंग्स आप देख रहे हैं, ये कभी कभी मनुष्य के लिए दर्दनाक हो सकती है, पेनफुल हो सकती है, यानी अगर आपको स्टिंग मार दे तो आपको हो सकता है दर्द हो। और इसके कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं जिसके स्टिंग से आपकी जान भी जा सकती है। चलिए लास्ट में मैं आपको कॉम्ब जेली के बारे में बताता हूँ, जिसे हम सी वेलनेट्स भी कहते हैं। और एक बात और, ये कॉम्ब जेली और जेली फिश दोनों अलग अलग है, क्योंकि जो जेली फिश है वो सिलेंट्रेट्स के से बिलोंग करती है, जबकि जो कॉम्ब जेली है वो टीनोफोरा से। तो ये जो कॉम्ब जेली है उसके भी अंदर लूसीफेरिन होता है, और इसके बॉडी में भी लाइट होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से लाइट जल रहा है। इसके बॉडी में 8 कॉम्प्लेट्स होती है, और जब ये जीव अपने 8 कॉम्प्लेट्स को एक साथ बीट करती है, यानी पटकती है, पीटती है, तो जो लाइट होती है वो बिखर जाती है, और बिखरने का कारण इसकी जो लाइट है वो इंद्रधनुष की तरह दिख पड़ती है, यानी कि रेनबो की कलर में बट जाती है। एक बात और, जब इसको पानी से निकाल दिया जाए तो शायद इसके अंदर लाइट जलना बंद हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, किसी ने अपने हाथ में इसको पकड़ रखा है तो यहाँ कोई लाइट नहीं जल रहा है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।